नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रुदायन में सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय क्रमिक मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। जनपद बनाल के कस्बा रुदायन नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अश्विनी सक्सेना के नेतृत्व में 25 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद अश्विनी सक्सेना ने कृमि से होने वाली बीमारी के बारे में सभी को विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही कृमि में बीमारी से होने वाले नुकसान के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि कृमि संक्रमण से बच्चों में कुपोषण और खून की कमी हो जाती है। तत्पश्चात इससे बचने के लिए उपाय भी बताए और खान पान रहन सहन ठीक करने की हिदायत दी। अंत में अश्विनी सक्सेना के नेतृत्व में नगर पूर्व चेयरमैन शांति देवी के बीच कृमि मुक्ति की टेबलेट बच्चों को खिलाई गई और दवा का आवश्यक रूप से सेवन करने के निर्देश दिए ताकि कृमि से मुक्ति पाई जा सके। अश्विनी सक्सेना से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी जनमानस को यह टेबलेट बहुत जरूरी है, जिससे कि आने वाले संक्रामक बीमारियों से बचा जा सके। और अब नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रुदायन में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 1 मार्च 2019 को पुनः मनाया जाएगा। इस मौके पर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रुदायन पर निर्मला देवी, BSW जयप्रकाश, प्रीति देवी, अंकित गोयल, पूर्व चेयरमैन शांति देवी यादव लोग मौजूद रहे। जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये इसे क्या क्या मतलब लाभ है, आपने क्या शिक्षा दी, प्रेरणा दी? इसमें बच्चों के लिए एल्बेंडाजोल की टैबलेट जो हर 6 महीने में हर व्यक्ति और बच्चे सभी को खाना चाहिए, वो उसका प्रोग्राम चल रहा है। ये तो ये किस उम्र तक सीमित है? ये किसी उम्र को भी खा सकता है इस टैबलेट को। तो अब आने वाले समय में ये कैंप कब लगना है? ये अगले महीने 1 मार्च को होगा, आज 25 फरवरी है, फिर 1 मार्च को हुआ है। ठीक सर, थैंक यू।